हेलो फ्रेंड, बीते शुक्रवार ने के 11 अगस्त को सनी पाजी का सबसे दमदार मूवी गदर 2 मूवी रिलीज होता है और ये मूवी पूरे बॉक्स ऑफिस पे कमाल और धमाल मचा रख देता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे गदर 2 मूवी का 16 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और पूरे नेट बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्शन किया है, क्या पठान 2 मूवी को पीछे छोड़ा कि नहीं, KGF 2 मूवी का पीछे छोड़ा कि नहीं, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब कुछ अच्छा समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हम कोई वीडियो बनाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। बात करते हैं सनी देओल का सबसे दमदार मूवी गदर 2 मूवी की। यह मूवी पूरे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा के पूरे इंडिया पर एक अपना नया परचम लहराया और यह मूवी पूरे ब्लॉकबस्टर होकर यह मूवी पूरा हिट हो चुका है। तो बात करें शाहरुख खान का पठान 2 मूवी के बारे में, तो पठान 2 मूवी यह उस मूवी में जॉन इब्राहिम, दीपिका पादु और शाहरुख खान जैसे अहम रोल करते हुए नजर आए और यह मूवी लगभग 250 करोड़ की वजह से मूवी बनी और पूरे बॉक्स ऑफिस में पूरे वर्ल्ड में 1000 करोड़ से ज़्यादा कमाई करके इतिहास रच लिया था। और बात करें साथ ही में KGF 2 मूवी की, वो मूवी में रॉकी नजर आए हुए थे और अक्षय कुमार भी नजर आए थे उस मूवी में और वो भी पूरे भी ब्लॉकबस्टर हुआ और वो मूवी भी लगभग 250 करोड़ से ज़्यादा बगैर बजट से मूवी बनी थी और वो मूवी पूरे वर्ल्ड से 1000 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर ली थी। और अब बात कर लेते हैं गदर 2 मूवी की। वो मूवी जो कि आज से 22 साल पहले गदर 2 मूवी आई थी और वो मूवी पूरे बॉक्स ऑफिस पर कमाल और धमाल मचा के रख लिया था और वो मूवी पूरे प्रेम कथा पर आधारित था और लगता नहीं था कि गदर 2 मूवी पूरे 22 साल के बाद आएगा, लेकिन हमारे सनी पाजी ने अपना हिम्मत दिखाते हुए गदर 2 मूवी को लॉन्च किया और वो मूवी पूरे ब्लॉकबस्टर हो गया। बात करते हैं मूवी के, ये मूवी अनिल शर्मा के डायरेक्शन में लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा की भारी बजट से मूवी बनी और ये मूवी पूरे इतिहास में अपना पर्चा लहरा रहा है। इस मूवी में बात करें तो सनी देओल, उत्कर्ष शर्मा और अनिशा पटेल इस मूवी नज़र आए थे। तो यह मूवी पहला दिन ही 40 करोड़ 10 लाख की कमाई करके इतिहास रच लिया और दूसरा दिन 43 करोड़ 8 लाख की कमाई कर ली और तीसरा दिन 51 करोड़ 7 लाख की कमाई करके इतिहास रच रहा था और चौथा दिन 38 करोड़ 7 लाख की कमाई करके इतिहास रच रहा था। और बात करें पाँचवा दिन, तो पाँचवा दिन यह मूवी 55 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा कमाई कर ली थी और पाँचवा दिन ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसका क्रेज इसलिए हुआ 15 अगस्त का दिन था और यह मूवी 15 अगस्त में पूरे ब्लॉकबस्टर मूवी होने के चांस में था, लेकिन थोड़ा बच गया था। बात करें छठा दिन, तो यह मूवी छठा दिन 32 करोड़ 37 लाख की कमाई कर लेती है और ऑडियंस में 41.57% से ज़्यादा इसको ऑडियंस रिटेंशन मिला। बात करें सातवां दिन, तो यह मूवी सातवां दिन 23 करोड़ 28 लाख से ज़्यादा कमाई करके इतिहास रचा था। और बात करें मतलब एक सप्ताह का पूरा बिक हो गया और यह मूवी पूरा इंडिया से हिंदी वर्जन में मूवी पहला वीक में 284 करोड़ 63 लाख से ज़्यादा कमाई कर ली थी, 284 करोड़ 63 लाख से ज़्यादा कमाई कर ली। बात करें आठवां दिन की, मूवी आठवां दिन 20 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा कमाई करके इतिहास रच लिया और यह मूवी पूरे बॉक्स ऑफिस पर कमाल और धमाल मचा रख लिया। और बात करें यह मूवी का नौवां दिन का, तो यह मूवी नौवां दिन भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाते हुए यह मूवी नौवां दिन लगभग 31 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर ली और यह मूवी पूरे ब्लॉकबस्टर हो चुका था। बात करें दसवां दिन की, तो यह मूवी बाद दसवां दिन 38 करोड़ 9 लाख की कमाई कर ली थी और ग्यारहवां दिन 13 करोड़ 5 लाख की कमाई कर ली। बारहवां दिन की बात करें 12 करोड़ 1 करोड़ और तेरहवां दिन की बात करते हैं मूवी 13 दिन 10 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर ली थी और चौदहवां दिन बात करते हैं मूवी चौदहवां दिन 8 करोड़ 4 लाख की कमाई कर ली। और पूरे इस तरीके से 2 हफ्ता पूरा होता है मूवी का और दूसरे हफ्ता में मूवी अच्छा खासा रिस्पॉन्स ही दिखा रहा था। और बात करें 15वां दिन और 16वां दिन का, तो मूवी 15वां दिन भी अच्छा खासा इस मूवी को रिस्पॉन्स मिला और 7 करोड़ 10 लाख की कमाई करके इतिहास रच लिया मूवी और पूरे वर्ल्ड वाइड में यह मूवी अपना अच्छा खासा पर्चा लहरा ही रहा था। और बात करते हैं 16वां दिन की, क्योंकि आज है 16वां दिन और ये मूवी पूरे अच्छा खासा अपना रिस्पॉन्स दिखाते हुए पूरे 13 करोड़ से ज़्यादा कमाई करके अच्छा इतिहास रच लिया और यह मूवी 13वां दिन में पूरा टोटल बात करें तो 439 करोड़ 20 लाख की कमाई करके इतिहास रच लिया। और बात करें मूवी पठान जैसे मूवी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ ही रहा है मूवी और यह मूवी अभी भी रिस्पॉन्स में ही है और यह मूवी अच्छा खासा अपना पर्चा लहरा ही रहा है। तो आप लोग किनके फैन हैं कमेंट जरूर बताएगा और आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि किनका मूवी अच्छा लगता है आप लोग को और आप किनके फैन हैं, सनी पाजी, शाहरुख खान या रॉकी भाई के, ये भी कमेंट जरूर बताएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हम कोई वीडियो बनाए सबसे पहले आप तक पहुँचे और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से और कमेंट करने से। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।